आज मैं आपको ये एग्जाम्पल 11 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 11 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा की बुक है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और यहाँ पेज नंबर है 3.70। ठीक है, तो इसमें आपको ये एग्जाम्पल 11 विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन CBSE 2001 को आ चुका है, थोड़ा अलग किस्म का भी ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर दिया हुआ 2x + 3y = 7 और नीचे वाला जो इक्वेशन है वो बोल रहा है ब्रैकेट में p + q x + 2p - q ब्रैकेट में फिर y = 21। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पर p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये p और q दिख रहा है ना, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे p और q की वैल्यू हो जिससे कि ये जो हमारा जो ये इक्वेशन जो दो दिया हुआ है ना, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्या मतलब है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए, एक ऊपर है 2x + 3y = 7 और एक नीचे है p + qx + 2p - q = y = 21। तो जब इन दोनों का जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, ठीक है, तो जब इनका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट कब देगा, जब दोनों लीनियर पेयर ऑफ जो दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं उनके वजह से जो दोनों लाइन जो आपको मिलेगी ना, वो दोनों लाइन क्या होंगे, एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेंगे, तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप इस चैप्टर में तीन किस्म का आपको ग्राफ दिखने को मिलता होगा। एक तो ये कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, मतलब कि हमें एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलती है। दूसरा क्या होता है, जब दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तब यहाँ पर हमें वन सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि हमें यहाँ पर एक्स और वाई की एक वैल्यू मिलती है। और तीसरा क्या होता है, जब दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो कोइंसाइड करें तब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिलती है, यानी कि इस केस में हमें एक्स और वाई के इनफाइनाइट वैल्यूज मिलते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और पी और क्यू की वैल्यू ऐसी होगी जिससे कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन जो दिए हैं ना, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए ना, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब आते हैं, कौन से कंडीशन पर आते हैं? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो जनरल फॉर्मेट होता है दो लीनियर इक्वेशन का, वो हमें लिख लेना है। वो क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब देगा, जब हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसा मिलेगा हमें, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तब ये दो लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो क्या देंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दो लीनियर इक्वेशन हमारे दिए हुए हैं, एक क्या दिया हुआ 2x + 3y = 7, यहाँ पर क्या दिया हुआ 2x + 3y = 7 और दूसरा क्या दिया हुआ हमारा p + q x + 2p - q y = 21। ये दिया हुआ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो दो लीनियर इक्वेशन है ना, इसमें ना ये जो 7 है ना, इसको भी इधर ही साइड कर लेंगे, यहाँ 21 जो है इसको भी इधर साइड कर लेंगे। तो 2x + 3y, अब देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, +7, इसको इधर साइड ले कराएंगे तो ये -7 हो जाएगा, = यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसी तरह से 21 को भी हम LHS साइड में ले कराएंगे, ठीक है ना। तो p + q x + और ये क्या है 2p - q y, और ये भी देखिए प्लस है, इसका साइन इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -21 = 0। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा आ गया। तो पहले आपको क्या करना है कि जो भी इक्वल टू के साइड नंबर है उन सबको एक साइड कर लेना है, और इधर साइड RHS साइड में आपका 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब 0 0 हमारा आ गया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा दो जनरल इक्वेशन है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट है, पहला वाला क्या है a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है ना। तो ये जो पहला वाला जो लीनियर इक्वेशन है, इसको जो पहला वाला जो क्वेश्चन में जो लीनियर इक्वेशन दिया है, इन दोनों को एक साथ लिख के कंपेयर करेंगे। तो पहला लीनियर इक्वेशन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 2x + 3y - 7 = 0, ठीक है। अब पहला लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, ये इसके जस्ट नीचे लिखिए, और इसमें जो x है ना, ये x और इसमें जो x है, ये दोनों एक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। तो a1 और ये x के नीचे x होना चाहिए, प्लस ये क्या है b1y ना, तो b1 और यहाँ पर y, फिर क्या है प्लस c1,
ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आपका ए वन अपॉन ए टू स्क्वल टू बी वन अपॉन बी टू स्क्वल टू सी वन अपॉन सी टू है ना, इसी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्मेट का पहला जो लीनियर इक्वेशन है, जो पहला लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है, और जो क्वेश्चन में जो लीनियर इक्वेशन दिया है उस उन दोनों को लिख करके आप कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से देखिए कंपेयर जब करेंगे तो आपको यहाँ से ए वन की वैल्यू टू मिलेगी। वैसे यहाँ पर जो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू क्या है, ये सब जो कोफिशियंट एक्स और ए वन ए टू और बी वन बी टू क्या है, ए वन अपॉन ए टू जो है ये हमारा जो लीनियर इक्वेशन में जो x होता है ना उसका कोफिशियंट है, यानी कि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है ना वो उसी की वैल्यू है a1 और a2। अब b1 b2 क्या है, लीनियर इक्वेशन में जो y का जो कोफिशियंट है यानी कि y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो है b1 b2। और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट, जो लीनियर इक्वेशन में हमारे कांस्टेंट टर्म है ना वो, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या, देखिए 7 है और ये 21 है, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड करें। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू आपको क्या मिल रही, A1 की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रही है, तो A1 की वैल्यू 2 लिखिए। अच्छा ये B1 है और यहाँ पर देखिए ये YY छोड़ दीजिए, तो यहाँ से B1 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये देखिए B1 लिखा हुआ है, B1, तो B1 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी 3। अच्छा C1 की वैल्यू क्या मिलेगी आप देखेंगे इसके ऊपर, C1 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 7, लेकिन इसका साइन भी आपको देखना है, विद साइन लेना है, जो भी आप यहाँ पे नंबर लेंगे विद साइन लेंगे, तो क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव था इसलिए यहाँ साइन लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू हमें क्या मिली, -7। तो यहाँ पे आपको A1 B1 C1 की वैल्यू मिल गई। अब उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर जो सेकंड हमारा जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ क्वेश्चन में वो क्या है, यहाँ लिख लीजिए P+QX, फिर क्या है +2 और यहाँ पे P -QY -21=0, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है ये नीचे वाला, ये जो बच रहा है A2X+B2Y+C2=0, जस्ट इसके नीचे लिखिए। तो देखिए A2 और X के नीचे X होना चाहिए, प्लस फिर B2 और यहाँ पर Y, फिर +C2=0। अब कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर कैसे करेंगे, X आप नहीं लेंगे यहाँ पर देखिए इसको, तो यहाँ पर देखिए इसको कंपेयर करेंगे, तो A2 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है हमें, A2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर A2 की वैल्यू P+Q है, तो यहाँ पर P+Q लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर B2 की वैल्यू क्या मिली, तो कंपेयर कीजिए, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो B2 की वैल्यू 2P-Q हमें मिल रही है, तो यहाँ B2 की वैल्यू लिखिए क्या है, 2P-Q। और C2 की वैल्यू क्या मिली, देखिए विथ निगेटिव साइन आपको लेना है, तो C2 की वैल्यू है -21। अगर यहाँ पर निगेटिव रहता ये यहाँ पर, तो आप यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ लेते, ठीक है ना, तो साइन के साथ आपको वैल्यूज लेनी है। तो A2 B2 C2 ये वैल्यूज हमें मिल गई यहाँ पर, और यहाँ पर A1 B1 और C1 की वैल्यूज मिल गई। तो अब यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो यहाँ पे लिखिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये लिख दिया। अब A1 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए A1 हमारा 2 है, तो A1 की जगह हम यहाँ देखिए A1 अपॉन A2 है, तो A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 2 आई है, तो यहाँ 2 लिखिए अपॉन A2, A2 की वैल्यू क्या है, देखिए P+Q इक्वल टू, अब ये क्या है B1 अपॉन B2, तो B1 कितना है 3 है, तो 3 अपॉन अब B2 की वैल्यू कितनी है, देखिए 2P-Q ये लिख दिया। इक्वल टू ये क्या है C1 अपॉन C2 है, तो C1 क्या है, C1 की वैल्यू -7 है, और C2 की वैल्यू कितनी है -21, ये आया हमारे पास। सब आपस में बराबर है या बराबर कब है, कब होंगे जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगे, क्वेश्चन में बोल भी रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ये माइनस 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 तो कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए 7 आई 21 है, तो कट जाएगा 7 1 7 7 3 21, तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है 2 अपॉन P+Q इक्वल टू ये क्या है 3 अपॉन 2P-Q इक्वल टू 1, ये कट गया तो 1/3 आ रहा है, यहाँ पर हमें P और Q की वैल्यू लेकर आनी है। तो ये सब आपस में बराबर है, तो कोई दो आप जो दो है एक साथ ले लीजिए, तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं ये दोनों को, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, तो क्या होगा 2 अपॉन P+Q इक्वल टू ये क्या है 3 2P-Q ये ले लिया, ठीक है, फिर ये दोनों आपस में ले लिए, उसके बाद ये दोनों एक साथ ले लेंगे, ये क्या है 3 अपॉन 2P-Q=1/3, ठीक है, इसको एक साथ ले लिया, फिर इसको एक साथ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी P और Q के टर्म में, और यहाँ पर भी हमें एक इक्वेशन मिलेंगी, तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, फिर उसको हमें सॉल्व करके P और Q की वैल्यू लेकर आनी है। तो अब देखिए ये आया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2P-Q 2 से इंटू होगा, तो यहाँ 2 लिखिए, फिर ये क्या है 2P-Q इक्वल टू, अब 3 से ये इंटू होगा तो 3 लिखिए, फिर ब्रैकेट में क्या है P+Q, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 4P-2 से इसको इंटू किया तो 2Q इक्वल टू, अब 3 से P इंटू कीजिए 3P+3 को Q से इंटू कीजिए 3Q। अब देखिए P यहाँ पर क्या है 4P
अब ये कि 3p है हमारा, तो इसको इसका साइन पॉजिटिव है, इसको इधर साइड लेकर आएंगे p के साइड, तो ये प्लस 3p इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको क्या करेंगे माइनस 2q जो है उसको इधर साइड लेकर जाएंगे और 3p को इधर साइड, मतलब p को एक साइड कर लेंगे, q को एक साइड, क्योंकि 3p है हमारा तो इधर साइड आएगा तो माइनस 3p हो जाएगा इक्वल टू ये 3q यहीं पर रहेगा। अब ये माइनस 2q है तो इसको इधर साइड लेकर जाएंगे तो प्लस 2q हो जाएगा, तो 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आया, 4p में से 3p माइनस कर दी तो p आएगा, और ये क्या बचेगा 3q प्लस 2q तो ये हो जाएगा 5q। तो यहाँ से p की वैल्यू हमें क्या मिली, 5q मिला, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व कीजिए, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से ये इंटू होगा तो 2p माइनस q होगा, और 3 से 3 इंटू होगा तो 3 9 होगा, ठीक है ना। तो 2p माइनस q इसका 9 आया, और यहाँ से हमें p की वैल्यू 5q मिली। तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू जो 5q है हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर इस p की जगह, इसके जगह, तो हमें यहाँ पर q की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 इंटू p की वैल्यू कितनी है, देखिए 5q है यहाँ पर रखिए माइनस, और ये क्या है q इक्वल टू 9, इस p की वैल्यू 5q हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो 2 5 10 और q माइनस, ये क्या है q इक्वल टू 9, 10q में से 1q आप माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 9q बचेगा इक्वल टू 9। अब देखिए 9 और q के बीच में इंटू का साइन है तो q की वैल्यू क्या होगी, ये 9 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 9 1 9, तो यहाँ से हमें q की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। अब यहाँ पर हमें p की भी वैल्यू चाहिए, तो ये q की, क्योंकि p हमारा 5q के बराबर है, तो ये q की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो p इक्वल टू 5, और यहाँ पर q की वैल्यू क्या आई है, 1 आई, यहाँ पर रख दीजिए तो p की वैल्यू क्या आई, 5 आई, और q की वैल्यू क्या आई, 1 आई हमारे पास। तो यही वो p और q की वैल्यू है जिससे ये दोनों लीनियर इक्वेशन हमारा इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए पहला लीनियर इक्वेशन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, पहला लीनियर इक्वेशन था हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था मैं, हाँ ये 2x + 3y, ये था ना पहला लीनियर इक्वेशन, क्या था 2x + 3y, फिर क्या है -7, ये था -7, ये था पहला, ठीक है ना। और तो और दूसरा हमारा क्या था यहाँ पर p + qx, फिर क्या है +2p - qy, और ये क्या है -21, ये है, यही दिया हुआ था दो लीनियर इक्वेशन। तो देखिए p और q की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दीजिए तो p क्या है 5 है, q 1 है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6x हुआ, प्लस अब देखिए यहाँ पे 2p - q, तो 2 और p की वैल्यू क्या है 5 है, तो 2 5 10, माइनस q की वैल्यू 1 है, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, और ये y हमने यहाँ पे p और q की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व किया तो 9 आया। 2 और p की वैल्यू क्या है 5, तो 2 5 10, माइनस q की वैल्यू 1 है, 10 - 1 9 y, और ये क्या है -21 है इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका क्या चीज़ तीनों कॉमन निकला है, ये तीनों जो है 6 9 और 21 जो 3 के टेबल में आता है, 3 यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 3 2 जो x, 3 2 जो 6 होता है ना, तो 2x प्लस यहाँ पे देखिए ये 3 यहाँ इसमें से 3 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3y बचेगा, 3 3 जो 9 होता है ना, 3 यहाँ बचेगा माइनस, और 3 के टेबल में 21 का बताया 7 टाइम, तो यहाँ 7 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, तो 2x + 3y - 7 इक्वल टू, ये 3 इंटू में है, तो इसको जब हम इधर 0 साइड लेकर जाएंगे तो इंटू वाली चीज दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0.30 के बराबर, तो 2x + 3y - 7 इक्वल टू 0, ये आया हमारा। अच्छा पहला लीनियर इक्वेशन तो हमारा ये था, दूसरा हमारा ये था, और हम पी और क्यू की वैल्यू हमने देखी दूसरे वाले में रखा, क्योंकि इसी में पी और क्यू है, तो इसमें जब हमने दूसरे वाले इक्वेशन में रखा पी और क्यू का वैल्यू, और जब इसको पूरा सॉल्व किया तो आप देखिए जो पी और क्यू की वैल्यू रखने पर ये आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है दोनों लीनियर इक्वेशन, तो दोनों लीनियर इक्वेशन बिल्कुल सेम आ रहा है, तो जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो पॉइंट भी सेम आएंगे, यानी कि जब ग्राफ आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई दोनों सेम है लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों लाइन तो एक के ऊपर एक कोइंसाइड ही तो करेगा ना, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है ना, कब पी और क्यू की, जब ये वैल्यू होगी 5 और 1। तो यही वो पी और क्यू की वैल्यू है जिससे कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब ये जो क्वेश्चन में हमारा जो ये दे रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये क्या देगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।